त्योहार है, नाम ही काफी है ना। आपको मैंने दादा लक्ष्मी, नाम ही काफी है, दादा लक्ष्मी फिल्म। और मैंने इतनी खुशी हो रही है भगवान के समय, तुम्हें गीसा मिल रहा है इनका, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में बैठा हूँ, सोच चुका कभी फ्लाइट करूँ मैं उनका पोस्टर को क्षेत्र और यहाँ जाऊँ। मैंने बहुत रोना आ गया, क्योंकि जब आपकी मेहनत जब सफल हो जाती है ना, मेरी तो मेहनत सफल हो गई, क्योंकि हमने काम अपना कर दिया, बढ़िया, सिर्फ आपका काम बाकी है, आपका काम बाकी है। मैंने क्या था, ये त्योहार है, 8 नवंबर एक त्योहार है, 8 नवंबर से फिल्म रिलीज हो रही है दोस्तों, कुछ क्षेत्र में भी लग रही है और सब जगह हरियाणा में मैक्सिमम जगहों पर लग रही है, जरूर जाना, क्योंकि ये मेरा एक मैं बताऊं सपना था 2016 का, 2016 का सपना जो अब कहीं जाकर पूरा हुआ है। इन्हीं सारे इनकी तरफ से देखो, हमारे लेखक राजू मान जी, हमारे एक पैर पर खड़े एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारे रामपाल बुलारा जी और जनार्दन शर्मा जी, और मेन जो प्रोड्यूसर है वो अभी रास्ते में है, रविंद्र राजावत जी, मैं क्या करूँ अभी वो थोड़ा लेट हो गए, तो उनका भी बड़ा स्वागत है, मैं उनके लिए जोरदार तालियां। और आपको एक राज की बात बताऊं, इस फिल्म के अंदर महासिंह पूनिया जी भी है और बाहर इनका पोस्टर भी लगा है। दोस्तों मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, देखो मेरी खुशी अलग बात है, लेकिन आपके अंदर ही प्रकाश झा कोई बैठा होगा, आपके अंदर कोई शाहरुख खान बैठा होगा, आपके अंदर ही मानुषी छिल्लर बैठी होगी, आपके अंदर ही सब लोग हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करो तो करो, आप चाहे चाहे आप डॉक्टर के हो, चाहे वकालत करो, चाहे एक्टिंग करो, भाई के तकलीफ हो भाई, लट्टू बाइक ले ले आ जाए, तो चाहे आप कोई भी काम करो मेरे दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं, आज तकरीबन 40 साल से ऊपर हो गए एक्टिंग फील्ड में, मैं इसीलिए दावे के साथ एक बात बोल सकता हूं, अगर आप कोई चीज ठान लो और आपके अंदर उसकी कुवत है, जोश है, जुनून है, पैशन है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको। चाहे कितने भी नेगेटिव लोग आ जाए, कितना भी लोग मजाक उड़ा ले, कितना भी आपको भला बुरा कहे, कितना भी गिराने की कोशिश करे, उससे आपकी ताकत डबल हो जाती है, बढ़ती है ताकत, घटती नहीं है, ये आप मान के चलना। तो इसीलिए मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा कि दोस्तों बहुत टाइम से हरियाणवी सिनेमा जो है वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है, नहीं था, क्योंकि ऑडियंस नहीं थी हॉल के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे पगड़ी सतरंगी छोरियां छोरों से कम नहीं होती, फिर हरियाणा डीजे वाले बाबू और स्टेज एक्ट जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही कमाल के काम है। तो मेरी बस इतनी इच्छा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये मौका है दादा लक्ष्मी फिल्म का, आप छाती ठोक कर पूरे पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, सारी दुनिया में चिल्ला कर बोल सकते हो कि यस आई हैव सीन वन फिल्म, यू आल्सो गो एंड सी, और आप बोलोगे ये मेरी गारंटी है, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बनी है, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है अभी राष्ट्रपति से पिछले महीने मुझे और प्रोड्यूसर साहब को, इससे फिल्म को 67 इंटरनेशनल अवार्ड और उसके अलावा 11 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं इंडिया के अंदर, ये बहुत बड़ी ताकत है इस फिल्म की। मेरा यह कहना है कि दुनिया ने तो बाहर जर्मनी वाला ने, फ्रांस वाला ने, ऑस्ट्रेलिया वाला ने, जापान वाला ने, सारे ने इस हरियाणवी फिल्म को समझ लिया है, अब हरियाणा के लोग भी समझ जाओ, बहुत जरूरी है। कल को ये मत बोलना भाई कि हरियाणवी सिनेमा ग्रो नहीं कर रहा, हरियाणवी सिनेमा में वो बात नहीं रही, वो जो पंजाबी सिनेमा में है, जो मराठी सिनेमा में है, जो तमिल सिनेमा में है, तो फिर कसूरवार कौन होगा, आप लोग होंगे, हम होंगे, जो हॉल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जो लिंक मांगते हैं, जो यूट्यूब की वेट करते हैं, जो ओटीटी का वेट करते हैं, नहीं भाई अभी वक्त आ गया है, जिस तरह चंद्रावण फिल्म में
ट्रॉली ट्रॉली भर भर के गई थी। चलो इस बार भी चल लो उस देश में जहाँ संगीत हो ना हो प्रेस करे छोड़ा भाईचारा हो, यह इस फिल्म की टैगलाइन है और यही संदेश है पूरी फिल्म का। बिल्कुल एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दो, एक दूसरे पर लिपा पोती छोड़ दो, एक दूसरे के ऊपर लाठी लगाना छोड़ दो, कमियां देखना छोड़ दो, आधा गिलास भरा देखना शुरू कर दो। जो देखना सिनेमा, मेरी गारंटी है, मैं बता रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर हरियाणवी सिनेमा में डंका नहीं बाटा तो मेरा नाम यशपाल शर्मा है। बहुत लोग करेंगे यशपाल जी, मैं वादा दिलाता हूँ, हाथ खड़ा करके वादा कर दो टिकट खरीद के उसका स्क्रीनशॉट भेज के मेरा फेसबुक पर लाइयो कि हाँ भाई मैं गया था। तो फिर मैं मानो एक एक का मेरा स्पेशली एक एक का धन्यवाद नहीं करा तो मेरा नाम नहीं। और मैं ये जो ताकत है ये युवा ताकत, ये देखो ये रत्नावली के अलावा कहीं मिलेगी आपको बता रहा हूँ। रत्नावली के लिए रत्नावली आप बोलो 31 अक्टूबर रत्नावली 31 अक्टूबर। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये मस्त खा रखा है भगवान क्योंकि यह चीज हरियाणा में मिल सके है और यह चीज रत्नावली में मिल सके है। मुझे नहीं लगता रत्नावली से बड़ा कोई फेस्टिवल होगा हरियाणा के अंदर, मुझे नहीं पता। रत्नावली की पूरी टीम के लिए, माननीय कुलपति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, सोमनाथ तक सेवा जी के लिए और पूरी महासिंह दुनिया जी के लिए और पूरी रत्नावली टीम के लिए और पूरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा देखिए यशपाल जी, आप हरियाणा से मुंबई में गए और आपने बहुत सारी लगान जैसी फिल्म, जो सुपरहिट फिल्म, गंगाजल जैसी फिल्म, अपहरण जैसी फिल्म ये काम किया, तो वहां से ये हरियाणवी सिनेमा का आपके मन में कैसे विचार है? यहाँ कई लोग इसी में बैठे हैं, बोले इसमें मुंबई में काम नहीं मिल रहा होगा तो दोस्तों वो सकता ही तो ये लोग जाना जो मेरे साथ हमेशा रहा है, छोड़ दो। लेकिन बात ये है, पगड़ी फिल्म हुई थी, पगड़ी फिल्म के वक्त मेरे को, मैंने देखी फिल्म में हिल गया राजीव भाई की शतरंगी फिर उसके बाद, तो मेरे दिमाग में उससे पहले मैं दादा लक्ष्मी के बारे में कुछ नहीं जानता था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैं सांगी के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहा था, राजू मान जी ने बोला सांगी के ऊपर फिल्म बनानी है, वो दादा लक्ष्मी से बड़ा कोई सांगी नहीं है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि फिल्म बनानी है और 100% वो दिन है, आज का दिन है, बीच में चाहे कितने उतार चढ़ाव आए सब कुछ आया, लेकिन एक बार सोच लिया, इसलिए मैं कह रहा था ड्रीम देखना बहुत अच्छी बात है, देखोगे तो पूरे होंगे, इसलिए मैंने वो ड्रीम देखा था उस दिन और वो आज पूरा हो गया है। और मैं क्योंकि हरियाणवी सिनेमा को, पगड़ी को, सतरंगी को दर्शक नहीं मिले थे, अगर हरियाणा के बाहर निकल जाओ, चंद्रावत भी है, जो भी है हरियाणा आसपास ये हिट हुई है, या लोगों केरला में नहीं मालूम है किसी को, दुनिया में और कहीं किसी को मालूम नहीं है पगड़ी फिल्म गई थी 30 जगहों पे, उसके अलावा कोई फिल्म जो विदेशों में जानते हो या पीछे पंजाब में इंटीरियर में अमृतसर में जानते हो कि हरियाणी फिल्म है, या कर्नाटक में जानते हो या झारखंड में जानते हो, नहीं जानते। लेकिन आज मैं अपने अभी इस वक्त भी गारंटी दे रहा हूँ, बॉलीवुड में भी दादा लक्ष्मी की चर्चा है और मैं नेचुरल वर्ल्ड लेने गया था, वहां साउथ के डायरेक्टरों में भी उसकी चर्चा थी जो मैंने देखी थी, वहां जूरी मेंबर थे। तो दादा लक्ष्मी का ये प्रताप है, ये जादू है, तो इसीलिए इसके गाने भी यूट्यूब पर हमने रिलीज कर दिए हैं, ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। हरियाणवी सिनेमा को वहां तक पहुंचाना है, ऑस्कर तक, ये मेरी तमन्ना है। अच्छा इस बार भी हमारे बच्चे मतलब बहुत इच्छा रहती है कि हम भी फिल्मों में जाएं, हम भी कुछ काम करें, हम भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम करें, हम भी हरियाणा का नाम करें, आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है युवाओं को, एक बार मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। देखो जी मैं आपको एक बात बता दूं,
नंबर एक तो दिखावा करना छोड़ दो। देखो देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, देखो देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, या देखो देखो मैं ऐसा हूँ, नहीं देखो देखो नहीं, अपना अंदर से होगा वो अपना आप दिखेगा। जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता, अच्छी एक्टिंग करी नहीं जाती हो जाती। इसीलिए अच्छी एक्टिंग अगर करनी है तो अपने अंदर झांकना पड़ेगा। एक एक आंगिक शारीरिक होता है, कितनी बॉडी बना लो, कितना ही डांस कर लो, कितना कितनी बढ़िया सुंदर हो जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। एक वाचिक है, वाचिक मतलब आपकी शब्दावली, आपकी वॉइस, आपकी स्पीच, आपका बोलना, आपके उतार चढ़ाव कितने भी अच्छे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस पॉइंट है। और एक है ये आहार्य, आहार्य वस्त्र, मेकअप, कॉस्ट्यूम कितना भी बढ़िया पहन लो, करोड़ रुपए के लाखों रुपए के कॉस्ट्यूम पहन लो, लेकिन अगर चौथा सात्विक अंदर नहीं है, सच्चाई नहीं है ना, आंखों में साफ दिख जाएगा। तो अगर वो सच्चाई नहीं है ना तो ये तीनों बेकार है। इसीलिए सबसे पहले बात सच्चाई लेकर आनी है, दिखावा नहीं करना है, अंतर आत्मा में जाना है, अपने अंदर झांकना है, सेल्फ की पहचान करनी है। और आप जैसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हो, आप अकेले हो, तो आप उसकी तलाश करो। शाहरुख खान जैसी एक्टिंग मत करो, सलमान खान जैसी बॉडी मत बनाओ, ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर बनने कोई जरूरत नहीं है, बहुत बहुत अच्छे मैं बता रहा हूं, गारंटी दूं, अगर चार्ली चैप्लिन स्टार बन सकता है दुनिया का, ओमपुरी स्टार बन सकता है दुनिया का, राजपाल यादव बन सकता है, इरफान खान और भी बन सकते हैं, संजय मिश्रा ये, तो कौन नहीं बन सकता बताओ, किसी की जैसे दाग है कुछ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंदर ताकत चाहिए बस। अच्छा यशपाल जी ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे क्योंकि डांस के लिए ये भी इंतजार कर रहे हो आप, पीछे पीछे गाड़ियां पड़ी हुई होंगे, नहीं हम ये चाहते हैं रत्नावली के विषय में। पिछले 35 साल में हमारी यूनिवर्सिटी ने एक प्रयास किया हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने का, तो रत्नावली के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम भी वहीं से शुरुआत हुई थी, हमने भी कविता प्रतियोगिता नाटक और स्क्रिप्ट करना शुरू कराया था, और तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी का, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी सच्चाई से मतलब देखो मैं फर्स्ट आ गया, वो नहीं हूं, सेकंड कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, इसे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ में सबसे कमजोर विद्यार्थी थे, जो मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल किया इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी उसकी और वो भी देखी है, असली अल्बर्ट आइंस्टाइन की फिल्म भी देखी है। तो मैं बोल रहा हूं कि फेल पास मायने नहीं रखता, जो सबसे पीछे बैठे हैं कई बार जो आप टीचर पढ़ा रहे होते हैं, स्केच बना रहे होते हैं, शायद वही बहुत आगे जाते हैं, कई बार कोई भरोसा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि 98% लेने वाला ही बेस्ट विद्यार्थी है, ये दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं है, असली पढ़ाई कुछ और है। मेरा कहने का मतलब है कल रामपाल जी ने बता रहे थे कि यहाँ पर सांग देखे, उन्होंने सांग देखे और इतने बढ़िया बढ़िया सांग, और एक लड़कियों का कहना हुआ सांग पिंगला भरतरी, मैंने बोला यार मैंने मिस कराया, मैं कहा ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैंने उड़े रहने दिया। तो मैं कसम से कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, इस परंपरा को अगर किसी फेस्टिवल ने जीवित रखा है तो रत्नावली ने जिंदा रखा है, एक जोरदार ताली रत्नावली के लिए। ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ऐसे कंपटीशन, बाहर पेंटिंग लगी है, मेरा दोस्त गिरिजा शंकर कहाँ है, क्या बाहर है वो, बाहर गिरिजा शंकर हो गए, ये देखो ये भी दादा लक्ष्मी में बहुत बढ़िया काम कर रखा है, आर्ट का काम भी करे इसने, आर्ट डायरेक्शन का दूसरे शेड्यूल में, तो जोरदार तालियां गिरजा के लिए। और कोई मेरा दादा लक्ष्मी टीम का है, साहिल है, इशू गोल यार तुम लोग मतलब हाँ यार छाती ठोक के बोलो यार, पवन दुलाना भी है, कहा है भाई आ जाना यार, यशपाल भाई शादी का टाइम है, फूफा मत बनो यशपाल, इतने ठंडे आदमी ने क्या का रोल दिया ये इतने भाई आदमी भाई यो या हमारी हीरोइन है राजू मान जी का है, या हमारी हीरोइन है लक्ष्मी के बेड़े में लड़की वाले कपड़े पहन के रोहित बच्ची ने इन्होंने कमाल का डांस करा है, मजेदार, ये बहुत अच्छा डांसर है, इसके लिए जोरदार तालियां, इज अ वेरी गुड डांसर। ये दोनों पेंटर कमाल के हैं, इनके पेंटिंग लगी हुई बात, ये बहुत कमाल के पेंटर है, एक्टर का तो देख लो आप दादा लक्ष्मण बाकी, लेकिन पेंटिंग का मैं गारंटी दूं बहुत कमाल की पेंटिंग करते हैं ये, एक जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। एक आखिरी सवाल,
आप एक बात बताओ जी, इतना सब कुछ संभाल कैसे लेते हो? बस ये माननीय कुलपति जी का विश्वास है और अंदर से मेरा विश्वास है, बस दो ही चीजें, दो ही चीजें जो आपने बात कही ना, अपने अपने आप में अपनी आत्मा से सच्चाई रखो और निष्ठा के साथ दिल के साथ काम करते रहो। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था और जैसा माननीय कुलपति जी को मैंने वायदा किया था, उससे कहीं 21 गई रत्नावली। इसके लिए मैं पूरी रत्नावली टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। पूरे विश्व में आज रत्नावली का डंका बजा हुआ है। माननीय कुलपति जी के आशीर्वाद से, रजिस्ट्रार साहब के सहयोग से इन्होंने विश्वास किया और हमारी पूरी टीम ने करके दिखा दिया। जय रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली। अरे इतनी सी आवाज आप क्या जिंदा कर रहे थे, रत्नावली। यस, बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल भाई, आप हमारे बीच में आए और हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। और लीजिए अब आपके बीच में एक बार फिर से हरियाणवी नृत्य, आप आनंद